Good morning, good morning, good morning. How are you doing, my dear children? A very warm good morning to you and welcome to the NEET Topper Test Series episode number 1 on cell structure and function. Good morning, good morning, good morning. How are you doing? How's it, Josh? How are you doing, every single one in my class? Excited? Good morning, good morning, good morning. Yes, I want you to all feel the excitement that every day now, and we are going to launch something really big even from the coming Monday, about which we will make announcements on the Sunday. But I want you to feel, now see, what is the aim of doing a topper test series? The most important thing in the preparation for NEET is to identify your weak areas. I'm going to take 1 minute. This is a very important announcement, and then we're quickly going to run into the test. The most important thing in the NEET preparation is to know your weak topics and then to attack your weak topics. That's the crucial thing for NEET preparation. Yes or no? Do you agree with me? Make hearts. हमें पता चलना चाहिए कि यार ये जो टॉपिक है या ये यूनिट है या ये चैप्टर है, मुझे लगता था मुझे आता है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, पर जब मैं क्वेश्चन करने बैठती हूँ या बैठता हूँ, मुझसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे. सो दैट आइडेंटिफिकेशन फॉर द अटैक विल बी डन इन द नीट टॉपर टेस्ट सीरीज, बिकॉज वी आर गोइंग टू गो चैप्टर वाइज. द क्वेश्चंस दैट वी हैव पिक्ड अप आर अ मिक्सचर ऑफ टफ, एक्सपेक्टेड, रिपीटेड, logical, rational, application-based questions, because you know that NEET and AIIMS has been merged. So it is very important for you to identify the weak topics. Ek cheez main aapko aur batana chahti hu, which is a very personal thing which I want to share with you. Exam kabhi bhi ho, I see a lot of people on YouTube become news readers, you know. ये जो स्पेक्यूलेशन है ना, एग्जाम जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, मई में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, फरवरी में होगा, 2021 में होगा, 2025 में होगा, ये आपको नहीं करनी. इसके लिए एक संस्था बनी हुई है जिनका नाम है एनटीए. ये काम उनका है, उनको करने दीजिए. आपको एनटीए इसलिए नंबर नहीं देगी कि आपने ओ जुलाई में होगा, इसके लिए एनटीए आपको मार्क्स नहीं देगा, राइट? तो आपका काम है पढ़ाई करना, वो आप बहुत अच्छे से कीजिए. ये जो स्पेक्यूलेशन का बिजनेस है, ये जो कब एग्जाम होगा, इसके लिए लोग बैठे हैं, राइट? तो प्लीज, एग्जाम होगा, इसी साल होगा, जब एनटीए ने जो बताया है उसी के हिसाब से होगा, भले कोई कुछ भी कहता रहे, राइट? एग्जाम होगा, इसी साल होगा. 2022 में थोड़ी ना आपका एग्जाम लेंगे बच्चों. दे कांट टेक द एग्जाम इन 2022. सो प्लीज, ये जो स्पेक्यूलेशंस हैं या जो अननेसेसरी रूमर मॉन्गरिंग है या जो अननेसेसरी दिस काइंड ऑफ अ टॉक इज देयर, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, बिकॉज एग्जाम के बेसिस पे ही रैंक मिलेगी और कोई बेसिस नहीं होगा रैंक का, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द नीट टॉपर टेस्ट सीरीज टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड योर वीक एरियाज, एंड टू मेक द स्ट्रॉन्ग एरियाज इवन मोर स्ट्रॉन्ग, एंड टू कन्वर्ट द वीक एरियाज इनटू स्ट्रॉन्ग, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर नीट 2020 विद अ डिजिटल हाई फाइव. आई एम गोइंग टू लॉन्च द नीट टॉपर टेस्ट सीरीज. 10 seconds, न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 1 फ्रॉम एनसीईआरटी. आई नो कल प्लांट टिश्यूज मिस हो गए हैं, एंड रेस्पिरेशन मैंने पूरा करवा दिया था, आपको बाय मैम से बनवा दिए थे. एक्सक्रीशन के जो पार्ट्स मिस हो गए, आई विल टेक स्पेशल क्लासेस एंड डू इट, बट वी विल स्टिक टू द टाइम टेबल. कूल, नोट ये बना दो, हार्ट्स डन. आई विल टेक स्पेशल क्लासेस, मैंने कल भी बोला था उसकी स्पेशल क्लास होगी, बट वी विल स्टिक टू आवर सुपर कूल टाइम टेबल. चलिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज डेली डोज ऑफ मोटिवेशन एंड डेली डोज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. दैट्स मी, दैट्स वेयर वी हैव टू गो. दिस इज वेयर आई वॉन्ट योर फोटोग्राफ्स, लाइन आफ्टर लाइन आफ्टर लाइन, ऑल योर फोटोग्राफ्स सेइंग दैट दीज आर वी बायोटोनियंस हु हैव डन एब्सोल्यूट हर मैदान फतेह. यस, मेकिंग श्योर दैट हर एक जगह वी बायोटोनिक का झंडा लहराए, एंड ऑल ऑफ यू रीच the aim, the destination which you want to. With over 5 million downloads, it becomes a top edtech app. Make sure you have it. Please, for all the love that we send your way, love us back for all the cute little things that we do for you. Make sure you like, you share, and you subscribe, and you tell more people about the beautiful channel of Vedantu. 10 more seconds, just last information, vdnt.in/ytlifepay. Hamara pura platform starting from 1 to 13 amidst the COVID-19 crisis has been made open. Tell your friends, your family members, your brothers and sisters to join our platform absolutely for free. Shuru kare? 202577. Chalo.
present, and we do full screen. Chalo. So, all that you have to do to become a part of the topper test series is open menti.com. Go to menti.com and on menti.com, please put the code 773422 submit. 773422 submit. And I am a love site, whatever that means. Yes, very good, everybody. All that you have to do is go to menti.com, joined. Yup. Har ek chapter, har ek unit aapko karwai jayegi. Fast. So all that you have to do is www.menti.com with explanation. We are going to do it. Joined. Jin logon ne join kiya, come on, join kar do. 773422 fast. Menti.com. Ek aur window open kar lijiye apne computer pe. Ek choti si window kar lijiye open. You want a sparrow? Very good guys. By the way, guys, congratulations with your love. We launched our channel in September. So September, October, November, December, January, February, March, April. In just these many months, we've become 180,000. 180,000 only because of your love in such less time. Isn't it a nice piece of news? Yes, 20th September, I think we launched V Biotonic. From 20th September, it's not even 20th April, and we've become 180K. Yes, only because of the love of my dear V Biotonians. Let's try before 20th, if we can become 200K, that will be so special, so special. Let's try if we can become 200K before 20th April. Yes. Women's Day ka gift to mere Biotonian ne diya nahi tha. You got a boat? Mukta ek baar refresh kar lijiye. Pungolu. Chalo. So we'll just wait for 10 more seconds. 10 more seconds. Just 10 more seconds. Chalo. Theek hai. Starting. 10, 9, 8. On your screen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wait. 1, 1, 1, 1200. Start quiz. A multicellular organism, such a nice question, is due to, larger due to. Serish, aapko aap yahan pe dekh ke kar lo beta solve, but you have to go to menti.com. Large number of cells, larger cells, smaller cells, surface area to volume ratio. Multicellular organism larger kyun hai? Confuse मत होना. Yes, मुझे पता था आप लोग surface area to volume ratio पे confused हो जाओगे. Surface area to volume ratio is basically for diffusion. कितना सरफेस एरिया है कंपेयर टू द वॉल्यूम. दिस इज बेसिकली फॉर डिफ्यूजन. द लार्जर द सरफेस एरिया द मोर विल बी द एबिलिटी टू डिफ्यूज. इसीलिए मैंने कहा था कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तब बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे. लार्जर नंबर ऑफ सेल्स, ये तो बहुत सिंपल है, बट देखो बेटा इतना सिंपल होते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? जब भी अच्छा ये देखो, यहां पे हर एक चीज पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा. पॉइंट नंबर वन जो हमें सीखने को ये मिलता है, ऐसा होता है कि यू नो व्हेनेवर अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ ऑप्शन कम्स, तो हमें लगता है वो डिफिकल्ट ऑप्शन ही आंसर होगी. कितने बच्चों को लगता है यस मैम, अगर थोड़ी सी ऑप्शन डिफिकल्ट आ जाए ना, जैसे ये ऑप्शन थोड़ी टेक्निकल लग रही थी, टेक्निकल हार्ड बना दो, तो हमें लगता है टेक्निकल ऑप्शन नहीं. Sometimes even simple options, multicellular organism, a large number of cells, and there are more number of cells joined together, obviously it will be a larger cell, right? So cell topics se questions aayenge. It is an important topic. Questions iske bahut zyada tricky nahi hote hain. Tricky questions physiology se hote hain. Direct questions aane ka chance hai from cell. Big learning point from you. Very good. It has to be larger number of cells. Very, very good. Very good. So we have Ghosh. Yes, my dear Anushka, I'm feeling much better. You can see that on my face.
साक्षी प्यारी धोखा है जी वापस आ चुके हैं, अरुषा तनुष अनु अमाजू लक्मीना अभिनव एंड पार्थ. एक्सलेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन इज इजी बट ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट. बिल्कुल शुभांगी आपने ठीक बोला. नेक्स्ट क्वेश्चन. This is just a modification of the question which comes. I don't want even one single wrong here. Bilkul isi mein se questions aayenge. These are the most expected question series. Cell lineage. This I've just made it simple to you. Aap agar isko hata dijiye. Cell lineage theory was propounded by, was founded by, was given by Purkinje. Virchow, Schwarman, Robert Hooke. It was given by good, very close to ma'am ne bola. It was given by Rudolf Virchow ne Virchow's triad bhi diya tha. 3 points for inflammation, which is the characteristic hallmark of inflammation in pathology even today. Virchow, all cells come from pre-existing cells. Sheldon and Schwann ne cell theory di thi. All cells have to come from pre-existing cells. So now I've given you a new word. Jahan pe aapne Virchow ki cell theory likhi, ek notes open kijiye. Wahan pe likh lijiye saath mein cell theory ke saath lineage theory. So that you don't get confused in the examination. Lineage theory. Tanush, Amaju, Parth, Vinesh, Simran. Tanush has gone down. Gaurav, Anubhuti, Hartstrom, Shreya and Darshini. Are you ready for the next question? Ready for the next question, everybody? Yes, how can I join Ria? That you have to go to www.menti.com. Jo log abhi humare saath jude hain, www.menti.com pe jaiye. One more window open kijiye Google mein. Is pe jaiye aur code laga dijiye 773422. Question number 3 on your screens, please. Golgi complex, discovered by Camillo Golgi, takes part in the formation of, good question, does it form the acrosome, which is a giant lysosome? Does it form cortical granules and vitellin membrane? Does it form yolk? Are you sure about all the options? Come on. Nice speed, good Josh, and nice speed. Don't misclick. Think before you ink. Learn these things in these mock test papers that we are taking. Very good. The function of the endoplasmic reticulum, the function of the endoplasmic reticulum is to form proteins. There are two endoplasmic reticulum. One endoplasmic reticulum is going to form your smooth endoplasmic reticulum. Another endoplasmic reticulum will form your rough endoplasmic reticulum. Done? Your smooth endoplasmic forms a protein and then it goes to the Golgi phase. Golgi mein do hote cis or trans. Likho. Write it down. Golgi mein hota cis jo receive karta hai. Cisterna mein movement hoti hai. Cis aapka receive karta hai. Receiving phase modification ke liye cisterna mein movement hogi. और ट्रांस फेज में दे विल बी रेडी टू बी मॉडिफाइड. इज दैट क्लियर? ये वाला था आपका जॉइंट लाइसोसोम जिसके अंदर हाइलोहाइड्रोनिडेज एंजाइम्स बननी है. सेकेंड ऑप्शन जो आपका था राइट फ्राइमोप्लास्ट होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन. सिस रिसीव करेगा, ट्रांस जो है आपका ट्रांसफर करेगा. उसके बाद कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, विटिलिन मेम्ब्रेन, विटिलोजेनेसिस स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है और योकिनेग. ये तीनों चीजें गॉल्जी अपैरेटस बनाएगा. दे आर मॉडिफाइड प्रोटीन. ये तीनों के तीनों आर नथिंग बट मॉडिफाइड प्रोटीन. अगर मुझे प्रोटीन के आगे ग्लाइकोज ग्रुप लगाना है, ग्लाइको प्रोटीन बनाना है, न्यूक्लियो प्रोटीन बनाना है, मॉडिफिकेशन करनी है, ऑल ऑफ दीज. देखो बेटा, मैंने कल आपको एक चीज बोली थी, क्या हम सिर्फ टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं? द रियल वे टू डू अ टेस्ट इज अंडरस्टूड. This is the most important part which we are doing at 8 a.m. Cool? So please make sure that you are writing everything down जो मैं आपको बोल रही हूँ. Right? जैसे मैंने आपको glycoprotein बोला, तो हो सकता है इस साल change होके question 2020 में आ जाए. Glycoproteins are formed and answer will be endoplasmic reticulum. Very good. Very good. Very good. We have 1500 people watching, man. 1500 people watching. 1489. 1500 पर इतने कंजूस है, 700 लाइक ही देंगे. कंजूसी में कोई कमी नहीं आएगी. विनेश घोष, गौरव, तनुष, अनुभूति, सिमरन, खुशबू, क्षितिज, अनुप्रिया एंड हार्टस्ट्रॉम.
राइट कंजूसी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा. चलिए कम ऑन एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज. Which is not under the control of dictyosomes. पहले तो बताओ dictyosomes क्या होता है. Not under the control of dictyosomes. सबसे पहले बताइए dictyosomes क्या होता है. चलो किसमें पाया जाता है और क्या होता है. And guys, those of you who are new to the channel, we will do NCRT marking at 10 o'clock. Make sure you like, share, subscribe. Right? Dictyosomes is Golgi apparatus. Right or wrong? Golgi bodies को dictyosomes बोलते हैं. Proteins, vesicles जहां बनते हैं, Golgi bodies को dictyosomes बोलते हैं. Autophagy was the option number one which I'm explaining to you. Autophagy का मतलब होता है, phagy comes from phagocyte, means to eat. Auto का मतलब होता है self. Is that clear? Not under. Not under. Which of the following or which is not under dictyosome was written? Are you understanding everybody? Yes. Are you understanding everybody? Yes. So this is the function of a lysosome. The suicide bag. Primary, secondary, residual bodies बनाता था. This is the function. Yes, याद आया? Question नहीं समझा? Dictyosomes आपका plants में Golgi apparatus को कहते हैं. ये तीनों आपके dictyosomes के function थे. Right? Yes, autophagy का मतलब होता है खुद ही को destroy कर देना, suicide bag की तरह काम करना. So, extracellular secretions, yes, modify करके proteins वगैरह secrete करना, lipid secrete करना, cholesterol secrete करना, modify करके. Cell plate बनता है phragmoplast का. Phragmoplast is a modified substance which is released from endoplasmic reticulum, galactose, right? तो ये Golgi apparatus के तीनों काम हैं. Golgi apparatus इनको modify करता है. Is that clear? जो dictyosome का काम करता है. Correct? Understood? So autophagy होता है self को destroy करना, जो lysosome का काम है. Is that clear? Come on, make a heart. Autophagy is अपने आप को destroy करना, function of lysosome. B, C and D are nothing but modifications which are done by Golgi apparatus. Dictyosome is the Golgi apparatus of basically plants. Good question. Very good question. I'm very, very happy with your performance. Very happy. Next one, please. Very good. Yes, at least you will understand. Bilkul Yati Sharma ji ne theek answer diya hai. These kind of questions 100% can come in the 2020. 100%. Tanush, Parth, Cells, Rhea, Kuldeep. So Cells, Parth, Kuldeep, Tanush, Bambal, Rhea, Mishra, Tanmay, Vivek and Priya. Well done. Let's move on to the next question, please. Chocolate clear, Aisha? Good. Which one is incorrect? Aagya lysosome incorrect. Dhyan se kariye. Bahut high level ka question hai. Please do it dhyan se. It's a very good question. Incorrect. Tanushree, thank you. Guys, make sure you subscribe to the channel for all these kinds of, you know, topper series that we are bringing for you. Oh, lovely. Yes. What is incorrect with reference to lysosome? They are filled with acid hydrolase and other enzymes. Correct. यहाँ पे लिखा था acid hydrolase, आपको पता है suicide bags का काम करेंगे तो इनके पास acid hydrolase enzymes होंगी. Hydrolase destroy करने वाली enzyme. Yes, it is correct. They may be autophagic, cell को destroy करते हैं. Autophagy तो हमने खुद ही पढ़ा, खुद ही के cell को destroy करेंगे, suicide bags का काम करेंगे. Yes, they can digest proteins, nucleic acids, sab kuch digest kar sakte hai. Yes, monomorphic is wrong. They are polymorphic. So you have primary lysosome. Agar wo kuch digest kar le, please understand what I am telling you. Agar primary lysosome ne 1554 people, excellent,
Guys, you can't miss the NEET Topper Series. Please, जो बच्चे अभी आए हैं, आप लोग late आए हो, please ये questions with explanation miss मत कीजिए. Direct questions exam में आएंगे. Primary lysosome ने अगर कुछ engulf कर लिया foreign body, तो वो बन जाता है secondary lysosome. हो सकता है जो whatever it has digested, it may not be able to completely digested, it remains, then it might be available in the form of residual body. It could also be present in the form of autophagic vacuole, where it wants to destroy the own cell. Are you understanding? It can be available in the form of a normal lysosome, as a secondary lysosome, as a residual body, or as a autophagic vacuole. So it is not monomorphic. No, it is polymorphic. Incorrect was the answer. Very, very depth question. Lysosomes are also known as Didoof bodies. Write it down. Didoof bodies, because they were discovered by a scientist called Christian Didoof. Yes, they were discovered by a scientist called Christian Didoof. One, like all of you who are understanding the beautiful questions, please make sure you like the lecture ones. On your screens, the leaderboard and the next question. Amazing Menti Talib. Understood? आप यहां पे कितना भी स्कोर करें, that's not the thing. The thing is, learn and don't do the same mistakes whenever the NEET exam is happening. Correct? So it's very important that you learn and you don't do the same mistakes when you have an exam. Now, because we have so many students in the class, Menti ji थोड़े senti हो रहे हैं, but that's okay. We have Menti back in action. Correct? Close to 1600 students early in the morning class. Excellent, guys. So that shows that you guys want to learn. Agar aap subah itne jaldi uth ke aa sakte ho, excellent. Sales, Parks, Tanush, Bamal, Riya, Tanmay, Kuldeep, Mishka, Manpreet and Vivek. Six question on your screens. Full speed, only discussing questions. Ansari, wishing you a very happy birthday. Contractile vacuoles ka kya kaam hota hai? Come on. Sare confusing options hai. Ek पढ़ रहे हो तो लग रहा है कि वो करेक्ट है, दूसरा पढ़ रहे हो तो लग रहा है कि वो करेक्ट है. नो वरीज, नो वरीज, यूनिवर्स इज हियर. चलिए अभी बताइए रैंक्स अपना. चलिए चलिए चलिए, सारे ऑप्शंस लग रहे हैं कि यही यही करेक्ट ऑप्शंस है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सारे ऑप्शंस पढ़ के लग रहा है यही करेक्ट है. डोंट गेट कंफ्यूज, टेल मी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस. 3, 2, 1, contractile vacuole is going to help you in. Oh my god, hung parliament, mujhe pata tha. Right? Excretion. Not, dekho beta, ho sakta hai saare hi. But basically, wo paani bhar ke contractile vacuole karta kya hai? I'm going to explain it to you. Contractile vacuole karta kya hai? And guys, +4, -1, kaun kar raha hai? +4, -1. कौन कर रहा है +4, -1? गुड, आई कैन सी तनुज सिंह डूइंग इट. आर यू डूइंग +4, +20 का ऑप्शन आ गया. दैट इज अ रियल वे टू डू मेंटी. आई वांट ओएमआरस आफ्टर द क्लास. आई वांट ओएमआरस. यस, दैट्स द वे. सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? ये है ना, ये पानी बाहर ऐसे फेंक देगा. वॉटर इज गोइंग टू थ्रो द वॉटर आउट. सो वंस इट थ्रोज द वॉटर आउट, इट डज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन. रेस्पिरेशन तो बिल्कुल भी नहीं है. रेस्पिरेशन वगैरह के लिए तो मीसोजोम हो सकता है. रेस्पिरेशन, मीसोजोम्स, तो रेस्पिरेशन तो बिल्कुल नहीं है. डाइजेशन नहीं, ऑटोफेजिक वैक्यूल वगैरह डाइजेस्ट करेगा. राइट, या फूड वैक्यूल करेगा. ऑटोफेजिक वैक्यूल तो सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा. अगर आप नॉर्मल डाइजेशन की बात करोगे तो वो फूड वैक्यूल करेगा. राइट एवरीबडी, रेजिडुअल बॉडी को हम एक्सक्रीट कर देते हैं. जो भी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वी एक्सक्रीट इट आउट थ्रू द रेजिडुअल बॉडी. So the answer has to be pure osmoregulation. I know you were confused, but that is how questions will come in the examination. It has to be, yes, only osmoregulation. I know you, no, this is not the function. This is not the function, either respiration. Yes, I know you were confused, but now in the exam, same questions come from cell. Or cell, jab hum padhte lagta hai, it's very easy. But now you're understanding, we are only talking about studies, and still we have reached only question number 6, because I'm explaining the question side by side. Very good, guys. 8 o'clock to apna time bana lijiye. Aapne quiz ke liye aana hai. That is why you will even be able to get up early in the morning. Quiz ke liye aana hi aana hai.
Yes, everybody, Cells, Rhea, Bumble, Tanush, Arusha, Ritu, Kamna, Shubhangi, Pichu, Sachin. Very good. NCERT line mein excretion hai beta, because in that paragraph, ab yaad kari, us paragraph mein, they are talking about excretion. Right? Water excretion is the main one. More than material excretion, it is water excretion. That is why the answer is osmoregulation. Yes? It will be combined with this, Divya. The anthocyanin pigment. Chalo. Kal jitne bachcho ne mere se class lagaye, we talked about anthocyanin. Anthocyanin pigment. Anthocyanin. It is not located in chromoplast. See, abhi mujhe apne ranks bataiye chaliye. Now, okay. Agar aapne kabhi beetroot liya hai aur usko water mein dala hai, can you tell me what will happen in the comment section? Will the water turn red in some time? You agree with me? Will the water turn red in some time? Correcto? Yes, everybody, will the water turn red? So, the last one though is anyways wrong, it is insoluble. Correct? It has to be in the sap because it will leak out and come to the water. Water soluble hai, matlab it's coming out. Yes or no? Water soluble ka matlab hi kya hua? It is coming out in the water. You put beetroot. Yes, it comes out. You put rose petals, it comes out and the water turns red in color because it is present in the sap. Right? Chloroplast is wrong. Chloro mein toh green hota hai. Toh in bachchon ne toh waise hi galti kar di jaldbazi mein because inhone chloro ko kar diya. Chromo, no, they are colored, but it is not anthocyanin. Other colored pigments are present. Right? Anthocyanin is present in the sap. That is why it leaks out. That is why when you put them in water, it comes out along with the sap. Well done. Well done, 181. And the rest of you, at least you have learned a big thing in today's class. We do a lot of research before we bring the questions to you. And we will bring the most important and most predictable questions for you, which will make you gain knowledge early in the morning. Right? Jo aapko pata hai, agar wahi questions mein karwayenge to kya fayda hai? Tanush, Arusha, Sayan, Akanksha, Cells, Charu. Upar wala bhi aa chuke hai. Rhea, Parth and Bumble. Very good. Perfect. Very good. Can we go on to the next question, please? Yes, come on guys, everybody. Endoplasmic reticulum ka question hai. Achha question hai. Path of transport bataiye. Maine abhi aapko class ki beginning mein bataya hai. Chalo. And guys, don't forget to like, share, subscribe. Next class is on NCERT marking series. Don't forget to like, share, subscribe. Taki aap maha mentees, all the botany mega quizzes, zoology mega quizzes, you should not miss anything. Don't. And tell me your ranks. Tell me plus four, minus ones. Fast. Plus four, minus one, bataiye. Tell me your ranks. Very good, very good, very good. देखो बेटा, पहले question में गलती कर दी है lysosome से endoplasmic reticulum या Golgi apparatus. This is wrong. Golgi apparatus makes lysosome. It's a modified one. No. So this is wrong. Lysosome is not going to make you Golgi apparatus. Wrong. Is that clear? इस क्वेश्चन में इट हैज टू बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन गॉल्जी अपैरेटस. सो इसमें ऐसा दिया है. दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग. ठीक है. एंड लास्ट में इन्होंने लाइसोसोम बना दिया ए ग्रैन्यूलर से. ईआर से लाइसोसोम बना दिया. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. लाइसो ईआर से होगा गॉल्जी. गॉल्जी से होगा लाइसोसोम. So, ER से जो इन्होंने बनाया है रॉन्ग. ये इसलिए ये तीनों रॉन्ग है. मैं आपको ठीक बताती हूं. ठीक है आपका बी ऑप्शन. ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रैन्यूलर का मतलब क्या हुआ? इट्स मेकिंग प्रोटीन्स. सो ग्रैन्यूलर ER विल गिव टू द गॉल्जी अपैरेटस एंड गॉल्जी अपैरेटस विल मेक लाइसोसोम्स.
This is the correct option. 515 of you have answered it well. Very good. Very good. Mentee ji, bilkul senti nahi hua. Aap tension mat lijiye. Understood. Actually, we can call these series as NEET killer series. Excellent answering. Yes. Yes. Done. I will. You want me to increase the time? Next time onwards, we will increase the time. Otherwise, aapko ye wala is the right answer. Chale, aage. Very good. Happy. How many of you are feeling good after attending today's quizzes? एक बार रिफ्रेश कर लो. ग्रैन्यूलर का मतलब है उस पे दाने लगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. यस बेटा मेंटी आपका काम करेगा. इतने बच्चों का कर रहा है देखो 1740 ऑफ देम आर देयर. रिफ्रेश कर लीजिए एक बार. राइट रिफ्रेश करके मेंटी बैठिए. तनुष टू मनप्रीत आई थिंक नोबडी न्यू हैज कम. चलिए आइए. अदरवाइज आप वहां पर मुझे प्लस फोर माइनस वन करके अपना स्कोर बताइए. थैंक यू रेवती. ओहो इजी क्वेश्चन. चलो इजी क्वेश्चन. इजी वन. हर्षवर्धन डोंट वरी. आप यहां पे आंसर कीजिए. जिन लोगों का मेंटी काम नहीं कर रहा आप स्क्रीन पे आंसर कीजिए. टेंशन मत लीजिए मेंटी की. आप स्क्रीन पे आंसर कीजिए. विच वन गिव्स यू हार्डनेस टू द सेल वॉल बताइए. Is it cellulose, suberin, lignin, cutin? Cellulose, suberin, lignin, cutin. Obviously, no. Cellulose कहाँ से देगा? Suberin नहीं, lignin नहीं, cutin. It has to be cutin नहीं. It has to be lignin. Lignin, which gives lignin. 418 of you. Cellulose, semicellulose, pectin, calcium pectate, not really. जब lignin आ गया option में, तो cellulose की कुछ cellulose plastic बन गया. Lignin के सामने lignin is like iron. So answer has to be lignin. Done everybody. Right? Don't misclick. Plus four बताइए. आतिका भी कह रही है कुछ ऑप्शन अगर बच्चों मेंटी पे फोकस मत कीजिए. आप स्क्रीन देखिए. प्लस फोर माइनस वन ओएमआर में कीजिए. सेल सिमरन मनप्रीत तनुष आरुषा निमा कुलसुम मुस्कान अलंकित एंड शुभांगी. एंड जस्ट रिफ्रेश अगर लग रहा है मेंटी प्रॉब्लम दे रहा है क्विकली रिफ्रेश कर दीजिए. 400 एंड फोर्थ रैंक आउट ऑफ नियरली 1500 पीपल वॉचिंग नॉट बैड. इंटरसेलुलर इजी इजी क्वेश्चन. स्पेशली मैंने क्लास में कितना करवाया हुआ है. Intercellular junction. Just tell me the answer. Do cells ke beech mein. Between two cells. Intercellular junction. In animal cell. Don't. Abhi bhi kai log confused honge. Intercellular junction padh ke answer de diya. Dekh lijiye. सबसे ज्यादा बच्चे वही हैं. इंटरसेलुलर जंक्शन सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्म आता. इंटरसेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल लिखा था. हेस्ट मेक्स वेस्ट. यही बच्चे हैं जो करके आएंगे एग्जाम में. इतना पढ़ा के भी गलतियां. प्लाज्मोडेस्म आता क्या लिखा था वहां पे. एनिमल सेल. यस और नो. अब हॉ वाला साइन बनाओ. चलो बनाओ. कितने बच्चों ने वो वाली गलती की. बनाओ हॉ वाला साइन या रोने वाला साइन. चलो मेरे को देखने दो अभी. यस इंटरसेलुलर पढ़ा नहीं. प्लाज्मोडेस्माटा आंसर कर दिया. क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं पूरा. क्वेश्चन में तो एनिमल सेल लिखा था वो तो हम पढ़ेंगे नहीं. राइट right? तो फर्स्ट तो फिर हमारा तो आंसर गलत होना ही है ना. अगर हम क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा तो आंसर गलत होगा ही. मिडल लैमिना कहां होता है इंटरसेलुलर जंक्शन. नो राइट. ग्लाइकोकैलिक्स तो कवरिंग होती है. ग्लाइकोकैलिक्स सेल बैक्टीरिया में होती है यूजुअली टू हेल्प द बैक्टीरिया स्टिक टू ईच अदर. इट इज अ कवरिंग. नो रॉन्ग. राइट तो मिडल आर. देखिए ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है. मैं डायग्राम बना रही हूं फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन. आई एम मेकिंग अ डायग्राम प्लीज पे अटेंशन. ये सेल्स है आपके. सेल्स सेल्स राइट. तो सेल टू सेल जो जंक्शन होती है एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करती है. देखिए दिस इज कॉल्ड योर डेस्मोसोम्स. डी लिख दिया है मैंने. प्लीज पे अटेंशन. और जंक्शन और भी होंगी जो बेस में कनेक्ट कर रही है. देखिए सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको. सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्हें कहेंगे हेमीडेस्मोसोम्स. प्लीज ये क्वेश्चन मॉडिफाई होकर ऐसे भी आ सकता है. हेमीडेस्मोसोम्स.
right? Plasmodesmata is there in plant cells. Question mein animal cells pucha tha. Don't make blunders like this. Aapka minus 1 ho jayega. Plus 4 ki jagah minus 1 ho jayega. Aapke 5 number chale jayenge. Please don't make blunders like this. Aa rahe hain class mein. Learn from here and go. Yes, in animal cells. Very good. It's the same one. Shitej, you're welcome. Abhinandita and Shitej, welcome. Regular students also, Charu, welcome. Chalye, let's go on to the next one. Simran, good. You're doing very well, Simran. Chalye. No worries, Purnima. Aap yahan pe solve kijiye. No worries. Chalye, Akshaya, Amanami. Plus 4, minus 1, bataye. Arre, wah. Bohat achha question dhoond ke laye aapke liye hum log. Cyanide inhibit karta hai sodium efflux and potassium influx. Kyunki ye ATPase ko band kar deta hai. Isko reverse kaun karega? Right? ATP. To isse kya pata chalta hai? Ye jo hai sodium potassium pump jo hai na, jo ATP mein dependent hai, isko band kar deta hai. Chalo, jaldi. And guys, are you liking, sharing, subscribing? Pehle bataiye. Are you all liking, sharing, subscribing so that you don't miss any of these quizzes that we are taking? Are you all liking, sharing, subscribing? Correct? So, इनका मतलब हुआ आपको पता होना चाहिए अभी तक sodium potassium ATPase pump होता है. The name of the pump is sodium potassium ATPase. ATP पे dependent होता है. ATP नहीं होगी sodium potassium ATPase active pump काम नहीं करेगा. ATP को stop करने का काम ताकि ATPase उसको burn ही ना कर पाए वो pump ही stop हो जाए. Cyanide, which is a metabolic toxin, का काम होता है. The effect is reversed by injection of ATP. अगर आप ATP का injection देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, because ये pump दोबारा से start हो जाएगा. Energy for sodium potassium pump, यही तो था. इनको मैंने आपको क्या बोला? Enzyme का नाम भी आपको बता दिया था मैंने. Sodium potassium ATPase. ATPase नाम की enzyme होती है, ATP को burn करती है. तब हम 3 sodium out और 2 potassium in करते हैं. In the presence of ATP. So, if we give ATP, then obviously the pump restart ho jayega, because the pump is dependent on ATP. Cyanide has pump ko band kar diya tha. So, ATP aapko dena padega. Yes or no? Manpreet? Manpreet understood, bachche? Manpreet Kaur, everybody? Sandeep Kukkar. And ek cheez main aapko aur batana chahti hu, beta. Mujhe pata hai ki aap logo ka physics is average. Yes or no? Ye chalo achha hai. Chemistry bhi theek hai. But bachcho, are you aiming to do very well in bio? Bas yes ya no mein jawab do. So beta, around 30 or 35 seconds mein aapko question solve karna hai. Agar main abhi aapko 1 minute de do, to aapko exam mein 90 minutes lag jayenge bio mein. To aapki practice kahan hogi? Aapko around 30 seconds mein question solve karna hai. How much? Agree with me? Heart bana do. कितने बच्चे अग्री? तो ये हमारी प्रैक्टिस हो रही है रोज. रोज बी बायोटॉनिक इज द ओनली चैनल जहां पे आपको रोज के रोज 50-50 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं. अगर अभी आपको 1 मिनट की आदत डाल देंगे एग्जाम से 1.5 महीना पहले, तो आप कब इंप्रूव करोगे? तो 30 सेकंड्स में आपको अपने रिफ्लेक्सेस को स्ट्रांग करना है, ताकि आप 30 सेकंड्स में यू बिकम, you are able to answer. That is how strong your reflexes have to be. Come on guys, one like for Vani ma'am. And come on, start. Yes, you have to improve your reflexes. Wo practice se hi hoga. Manpreet! Charu, Alankrit, Uparwala, Bambal, Abhinandita, Shitej, Manpreet, Simran, Abhilash, Pana Girahi and Chahat Sharma. Next one on the screens, please. Right? So let's improve our reflexes. On your screen, next question, please. Arey yaar, itna ye easiest question. I don't want a mistake in this. Pro iceberg. Maine kal bhi bola tha iceberg, iceberg, iceberg. Singer and Nicholson. Hint bhi de diya aaj to maine. Apne bache naraaz ho jayenge. Maine apne hint de diya. Sea of lipids. Singer and Nicholson. Big hint given. Big hint given. No mistakes now. Very good, ma'am ne bola. It has to be fluid mosaic model. Sea of lipids hota hai. Bilayer of lipids with the heads out. Heads are hydrophilic. Tails which are hydrophobic inside. Beech mein lipids hote hai. Lipids teen tarah ke hote hai. Extrinsic, intrinsic and transmembrane.
सिंपल ना, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करा के एक दो बीच में, और देखो एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, एक दो इजी ताकि आप थोड़े से ऑफ गार्ड, अरे ये तो इजी है, एकदम से एक मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। याद करो आज हमारे शुरू के दो क्वेश्चन कितने इजी थे, फिर थर्ड क्वेश्चन एकदम गलती हो जाती है। चारों अलंकृत ऊपर वाला बंबल क्षितिज अभिनंदिता सिमरन मनप्रीत चाहत नारुषा, दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी मेक द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ये आपका पूरा एग्जाम को सिम्युलेट करने के लिए नीट टॉपर टेस्ट सीरीज बनाई है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी मैंने आपको कल कराया था, हर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं क्या चीजें हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। 1, 2, 3, 4 में आंसर करना है क्योंकि क्वेश्चन इजी है, ऑप्शंस को हमने ट्रिकी बना दिया है आप लोगों के लिए। चलो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर Very good. First option था semi autonomous organelles, yes, endosymbiotic theory मैंने hint दे दिया, both of them have their own DNA, बिल्कुल, so they are semi autonomous, that means they have their own DNA, कुछ decision अपने आप लेंगे। मैं हमेशा इसमें example देती हूँ chief ministers का, chief minister अपने decision भी ले सकते हैं और उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर तो बैठा ही है, तो प्राइम मिनिस्टर इज न्यूक्लियस एंड चीफ मिनिस्टर अपने आप भी डिसीजन ले सकते हैं। फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एज दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, नो नॉट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, दे हैव अ प्रोकैरियोट्स व्हिच बिकेम ऑर्गेनेल्स थ्रू द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, किसी के डिवीजन से नहीं बने, दे वर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जब किसी सेल के अंदर आ गया और वो बड़ा सेल बन गया यूकैरियोट, और ये छोटे सेल्स क्या बन गए, प्रोकैरियोट्स, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। सो वन इज ट्रू बट टू इज फॉल्स, टू इज ट्रू इज रॉन्ग, दे वर प्रोकैरियोट्स जिनके पास अपना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, बड़े प्रोकैरियोट ने छोटे प्रोकैरियोट्स को इनकल्फ कर लिया, बड़ा प्रोकैरियोट बन गया यूकैरियोट, छोटे प्रोकैरियोट बन गए ऑर्गेनेल्स। वेरी गुड गाइस, प्राउड ऑफ यू, you guys are doing very well and I am so proud of you, very good, awesome question, galat nahi karna but at least you will learn, please comment section mein aaj ki series aapko kaisi lag rahi hai, topper test series, aaj wednesday, parson fir se neet topper test series hai, topic main aapko kal bataungi, charu alankrit bambal shitij manpreet abhilash chahat shrey supriya aur akanksha, aur ek sabse important topic botany ka jisko hum plant anatomy kehte hain, जो सबको मुश्किल लगता है, दैट टॉपिक आई एम गोइंग टू बी डूइंग टुमारो 8 AM एंड देन डे आफ्टर टुमारो वन मोर नीट टॉपर टेस्ट सीरीज। डन, ठीक है, टफनेस लेवल देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा आपके लिए ढूंढ के लाए टफनेस लेवल, सिंगल मेम्ब्रेन, ओके, दिस इज इजी, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, बट डोंट गेट कंफ्यूज, सिंगल मेम्ब्रेन, एंड गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सब्सक्राइबिंग सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ दिस, सो आई रियली होप आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइब करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिंगल मेम्ब्रेन क्या है बता दीजिए, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियाई, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज टू बी लाइसोसोम्स, राइट, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, राइट, ऑप्शन रॉन्ग है, डोंट वरी, लाइसोसोम्स ऑप्शन रॉन्ग है, डोंट वरी, आई थिंक ये ऑप्शन 3 लिखते कोड में कुछ एरर हो गया होगा, दैट्स ओके, क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई 2 मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, डोंट वरी, अग्रीड, यस, ठीक है, डोंट वरी, हो जाता है ऐसे कई बार, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, जैसे यू नो कई बार हम सी मार्क करने जा रहे थे पर डी मार्क हो जाता है, कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, पर हमारा लीडर बोर्ड, यस, इन दोनों ने गलत मार्क किया था, पर हमें पता चल गया इन दोनों ने गलत मार्क किया है, यस द ब्यूटीज, हमें पता चल गया, यस एवरीबडी, कौन दोनों थे गलत मार्क वाले वो हमें पता चल गया है, राइट, तो अभी हम उन पे स्पेशल नजर रखेंगे, बाकी सब अपने स्कोर में प्लस 4 कर लीजिए प्लीज, सिर्फ गलत मार्क वाले ऊपर चढ़े हैं लीडर बोर्ड में, चलिए, यस,
लाइसोसोम में मेम्ब्रेनलेस होता है, डेंस मेम्ब्रेन होती है, जस्ट लाइक राइबोसोम्स. वहां राइबोसोम भी हो सकता था. अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स. अरे गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. इज इट अ पॉलीमर, इज इट अ पॉलीपेप्टाइड, बताइए. एंड गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज. Very good, very well done, very well done. Polysomes. So ये है polysome क्यों होता है आपको पता है? ताकि RNA से protein synthesis बहुत speed से हो सके. Polysomes. ये क्या हो रहा है? I think ये पिछला question था. Yes, poly. ये क्या हो गया? Did we go back onto the? Yes, I think we went back. It is polysomes, right or wrong? देखो जब 2000-2500 तक होने लगता है तो मेंटी भी थोड़ा सा बेचारा परेशान हो जाता है, right? Yes. Plus four. चलो done done, very good. एक घंटा खत्म होने वाला और टाइम कहां निकला पता ही नहीं चला because the questions are so good. Next question please. 16. Microtubules. Very, very good question. I will, Tanisha. Don't worry. Tanisha ka bahut achha point hai wahan. Tanisha Gupta, and I will take care of that. Jaldi. अभी तो आप सिर्फ संडे का वेट करो. जस्ट वेट फॉर संडे टू कम बिकॉज समथिंग मोर धमाकेदार इज कमिंग ऑन संडे. माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने सेंट्रियोल क्रोमैटिन में बना दिए हैं, आपने न्यूक्लियोसोम में बना दिए हैं, आपने पेरोक्सीजोम्स में बना दिए हैं. इट इज स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया. पेरोक्सीजोम्स में कैसे बना दिए आपने बताइए? फोटो रेस्पिरेशन पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि माइक्रोट्यूब्यूल्स पूछ रहा है? पेरोक्सीजोम्स फोटो रेस्पिरेशन आपने बिल्कुल गलत बना दिया है. न्यूक्लियोसोम्स में आपने कहां से बना दिए बता दीजिए मुझे, राइट? यहां पे आपने सेकंड ऑप्शन में क्रोमैटिन फाइबर में कहां से बना दिए हैं? सो आंसर हैज टू बी स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया. इज दैट क्लियर? चलिए प्लस फोर माइनस वन करके बताइए प्लीज अपना फाइनल स्कोर मुझे. कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा नीट टॉपर टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी. वी ऑल्सो लाइक द फीडबैक. प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज. प्लीज मेक श्योर, यस एवरीबडी, प्लीज एक कोशिश करेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. टेल अस हाउ यू फील अबाउट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. टू हियर फ्रॉम यू, वी रियली लाइक इट. चारू ऊपर वाला, अलंकृत, बंबल, क्षितिज, मनप्रीत, अभिलाष, चाहत, श्रेय एंड गायत्री. गुड गायत्री. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, वेरी गुड. द फर्स्ट फॉर्म लेयर, और मुझे पता है इसमें आपको इतना कंफ्यूजन होता है मैं आपको बता नहीं सकती. जल्दी मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? वेरी 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 वेल डन. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल द फर्स्ट फॉर्म लेयर ऑफ सेलुलोज सिक्रेटेड बाय बॉडीज इज कॉल्ड द प्राइमरी वॉल, राइट? मिडिल लैमेला में बेटा कैल्शियम पेक्टेट होता है. मिडिल लैमेला में कैल्शियम पेक्टेट होता है. प्राइमरी, प्राइमरी का नाम ही क्या होता है? फर्स्ट. मिडिल लैमेला हैज कैल्शियम पेक्टेट. इन्होंने सेलुलोज बोला है. मिडिल लैमेला में कैल्शियम होता है इसलिए पेक्टिनेज जब सिक्रीट होता है, सो पेक्टिनेज जब राइपनिंग होती है, पेक्टिनेज सिक्रीट होता है तो वो मिडिल लैमेला को डिस्ट्रॉय करता है. फर्स्ट मीन्स प्राइमरी मीन्स वन,
primary. 15-10 people watching. Remember this favorite question for NEET 2020. Primary. Tricky question. It is the primary. It is the first form. Middle lamella always has calcium pectate in it. Very good. Proud of you guys. So Abhinash, Manpreet, Utkarsh, Simran, Alankrit, Gayatri, Charu, Shitij, Bumble and Uparwala. Chali, third last question for the day before we move ahead. Third last question. Don't worry, Nainshi. Some of you will misclick answer jante hue, but the more you practice, that habit will also go. Cell, jiske paas cell wall nahi hai. Cell wall kiske paas hoti hai? Plant cell, animal cell, pata lagaiye. So jiske paas cell wall nahi hai, confused nahi hona. Kya nahi hoga uske paas? Obviously, no, it's an easy question. Beta dekho, endoplasmic reticulum, mitochondria, biomembrane, animal cells mein bhi ho sakte hain. Cell wall, plant cell. So animal cells mein aisa kya nahi hota jo plant cell mein hi hota hai. Ab the biomembrane kyun kya? Any living membrane can be called a biomembrane. Right? Chloroplast. Come on, 4-10 of you have made mistakes. It has to be chloroplast. Chloroplast mein nahi hota hai. Chloroplast. Is that clear? Yes. So after the class, you will go now, read your NCRTs for excretory system and come and see me sharp 10 o'clock for excretory system. Excellent. Chali. Biomembrane is any cell membrane is a biomembrane. Plasma membrane is biomembrane. Mismatched pair. मैंने आपको एक क्लास में बताया था. I told you this in the class. I told you this in the class. Very good, very good. What is the name I told you? Camelogolgi. So what is the question? Largest egg, ostrich, mitochondria, term discovered by Kolliker and term given by Benda. Lysosomes, Christian, D2, Vitro2, D2, bodies. And I also told you in today's class, Camelogolgi. Last question in the final leaderboard is going to come on your screens now. Very good. What a quiz, man. 19 of you participated. What a quiz. Super duper cool quiz. So we have Charu, Uparwala, Gayatri, Bumble, Simran, Alankrit, Shitij, Utkarsh, Shrey and Atma. Chalo, last question for the day. Before we meet again at 10 o'clock for the NCRT marking, the most important marking series. Wrong statement, bataiye. Wrong statement. Wrong. Plant cell पूछ रहे हैं. Exclude कर सकते हो. अगर आपको answer नहीं आता, आप आराम से exclude. Very good. They have Golgi apparatus in the form of dictyosome discussed in the first question. They have a central vacuole जिसकी membrane को tonoplast कहते हैं, जिसके अंदर cell sap होता है. Centrioles absent होते हैं, इसलिए anastral cell division होता है with the help of phragmoplast. But the cellulosic cell wall is not inside, it is outside the cell membrane. Very good, phragmoplast बनाते हैं, anastral cell division करते हैं. Very good answering, 1925 of you. Excellent answering there guys, excellent answering. Yes, Charu, Shri, Murali, and I knew Charu, you will do very well. Gayatri, Uparwala, Bumble, Simran, Alankrit, Shitij, Utkarsh, Shrey and Atma. Charu is the topper of the first session of the NEET
Topper Test Series. Yes, we Biotonic special chapter wise, each and every bio chapter will be done in detail with the best questions and the most expected questions. Don't forget to like, share, subscribe. Charu, heartiest congratulations to you. The brilliant NEET Topper Test Series, sharp at 8 o'clock. I'm going to see you at 10 o'clock for NCRT Marking Series, because all of these questions can be found back at the NCRT. Bye kids, take care, don't forget to like, share, subscribe, don't forget to tell me your comments in the comment section. That's all for today. I'm going to see you at 10 o'clock. Bye.